तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर एक नया ट्रेंड चला है। इस तरह की जो फोटोज़ है ना, बहुत से लोग अपनी डीपी में लगा रहे हैं, इंस्टाग्राम डीपी में लगा रहे हैं, और दूसरी बात ये पोस्ट में भी लगा रहे हैं। तो आपके मन पर भी आता होगा कि यार मैं इस तरह की फोटोज़ बनाऊं कैसे। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप इस तरह की फोटोज़ कैसे बना सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है, और लास्ट में वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो ना सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आपको इस तरह की फोटो क्रिएट करने के लिए ना आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऐप से भी कर सकते हो, वेबसाइट से भी कर सकते हो। देखो ऐप का नाम है बिंग ऐप। आप प्ले स्टोर से जाके आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आप टाइप करोगे बिंग, आपको ये ऐप मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। आप इसे वेबसाइट से भी ओपन कर सकते हो। इसकी वेबसाइट भी है, ऐप भी है। तो आप यदि वेबसाइट से करना चाहते हो तो वेबसाइट से भी कर सकते हो, ऐप से करना चाहते हो तो ऐप से भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अपने ऐप को डाउनलोड कर ही लिया है, ऐप से ही मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद वेबसाइट से बताऊंगा। देखो तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले बिंग ऐप को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर गैलरी का भी एक ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर हम ज्यादा कहीं नहीं जाना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना है होम पेज पर। होम पेज पर जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, नीचे आप देख सकते हो क्रिएट इमेज यूजिंग डेल E3। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बोलेगा कि भाई आपको साइन इन करना है। आपको साइन इन करना ही पड़ेगा, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। यदि आप वेबसाइट में भी जाओगे, वेबसाइट में आप कैसे सर्च करोगे, गूगल में या क्रोम में सर्च करोगे, वहाँ पर आपको सर्च करना है बिंग AI जनरेटर। सर्च करने के बाद फर्स्ट में जो वेबसाइट आएगी इसमें क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाओगे, आप सीधे यहीं पर आ जाओगे। ऐप में भी यहाँ पर आप क्लिक करोगे क्रिएट इमेज यूजिंग डेल E3, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो भी आप यहीं पर आओगे। तो आप वेबसाइट से करोगे तो वही बात है, एंड ऐप से भी करोगे तो वही बात है। देखो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले साइन इन करना है। साइन इन कैसे करोगे, यदि आपका एक नया अकाउंट बना हुआ है पहले से ही तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, तो आसानी से साइन इन हो जाता है। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा अकाउंट क्रिएट। मैंने आज तक इसमें कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया, ऐप से ही करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ आप देख सकते हो ऐप को मैंने ओपन किया हुआ है। ऊपर आप देख सकते हो एक लोगो दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना, सबसे पहले यहाँ पर आपको टैप टू साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यहाँ पर आपको दिख रहा है, बाजू में आपको साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर ईमेल से भी साइन इन कर सकते हो एंड मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं फोन नंबर से करता हूँ। यहाँ पर मैं अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेता हूँ। पासवर्ड भी यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर आपको थोड़ी टाइम लग सकता है, तो आप वेट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, जो भी आपको टाइप करना है, आपके अकाउंट का नाम रखना है, वो यहाँ पर आप रख सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पर रख दिया है। फिर यहाँ पर आपको कर लेना है नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आपको एक और न्यू पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको एक कंट्री सेलेक्ट करना है, तो हमारी तो इंडिया है ही, तो यहाँ पर यदि सेलेक्ट नहीं होगा तो आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। वैसे तो यहाँ पर सेलेक्ट रहता ही है, ये सेलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। अब जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मैं यहाँ पर रैंडम कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं फिल करूंगा एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे एक पजल सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पजल का जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर आने में थोड़ी आपको टाइम लग सकता है, तो आप थोड़ी वेट कर लेना। पजल सॉल्व कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं सबमिट में क्लिक कर देता हूँ। थोड़ी एक OTP आएगा अपने नंबर में, उसे मैं यहाँ पर फिल करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे एक पजल सॉल्व करना है। सबमिट में जैसे ही क्लिक करूंगा, हमारा जो अकाउंट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों देखो माइक्रोसॉफ्ट का आपको इसमें एक फायदा ये मिलेगा, यदि आप ChatGPT तो यूज करते हो ना, मेरे को पता है आप करते हो, बट वहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। बट यहाँ पर बिंग ऐप में आप फ्री में कर सकते हो। ये आप किसी को मत बताना, चुपके से आपको बता रहा हूँ। ऐप यदि आप यूज करते हो तो ChatGPT भी बहुत ही आसानी से फ्री में आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, हमने यहाँ पर अपना जो अकाउंट है क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको बार बार अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओनली एक ही बार आप क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, अब हम बनाएंगे फोटो। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें फिर से आना है होम पेज में। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा क्रिएट इमेज यूजिंग डेल E3, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ट्राई नाउ करके एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर भी वही वाला जो पेज था ना, जो आपने वेबसाइट में सर्च करोगे ना, वही
वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर टाइप करने का, कोई एक मैसेज आप टाइप कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है, देखो मैंने यहाँ पर पहले से ही मैंने यहाँ पर लिख के रखा था, उसे मैंने कॉपी कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको सीधे जाके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे गर्ल्स के लिए बताओ, बॉयज के लिए बताओ, तो देखो ऊपर मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है बॉय, यहाँ पर आपको गर्ल्स भी लिख सकते हो, बॉयज के लिए बॉयज लिख सकते हो। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, गर्ल्स के लिए भी हो जाएगा ये, बॉयज के लिए भी हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक सोशल मीडिया का नाम चेंज करना है, मतलब यहाँ पर नाम लिखना है। सबसे पहले इसे कट कर देना, कट करने के बाद कोई भी सोशल मीडिया का नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हो, फेसबुक लिख सकते हो, इंस्टाग्राम लिख सकते हो, स्नैपचैट, आपके मन से जो भी लिखना है लिख सकते हो। ओके, बट यहाँ पर हम इंस्टाग्राम का ही लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अपना नाम टाइप करना, सबसे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा ना, यहाँ पर मैंने छोड़ के रखा है नेम का, इसे कट कर देना एंड अपने खुद का यूजर नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूजर नेम रहता है ना @09 वाला, जो मेरा अभी टाइप किया है, वो यहाँ पर आप टाइप कर देना। यहाँ पर आपको इसे कर लेना है क्रिएट। ये सब कुछ यहाँ पर आपको चेंज करना है, मैं यहाँ पर चेंज करना बता भी दिया। यहाँ पर देखो ये जो मैंने कॉपी किया है ना और पेस्ट किया हुआ है, इसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, या फिर मैं इसे कमेंट में भी पिन कर दूंगा तो वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो, दोनों जगह मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। यहाँ पर देखो क्रिएट कर लिया था मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट करने के बाद यहाँ पर बहुत सी फोटोज आ गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यदि आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं आती तो फिर से आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, थोड़ा टाइम लग सकता है, धीरे धीरे प्रोसेस होती है, आप थोड़ी वेट कर लेना। यहाँ देखो फिर से न्यू फोटो बन के आ गई, और यहाँ पर मुझे कोई एक फोटो डाउनलोड करना जो मुझे अच्छी लगती है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना, और मुझे ये वाली अच्छी लगती है, यहाँ पर मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो एक बाजू में 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा ना, यहाँ पर क्लिक करना एंड यहाँ पर हम इसे कर लेते हैं डाउनलोड। आपको डाउनलोड करना ना तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो, गैलरी में ये सेव हो जाएगी। इस तरह से स्क्रॉल करना बाजू में, यदि आपको दूसरी वाली इसे डाउनलोड करना है यहाँ पर फिर से 3 डॉट पर जाके डाउनलोड कर लेना। इस तरह से आप सभी फोटो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर बैक करके फिर से यहाँ पर नेम चेंज कर सकते हो अपने सोशल मीडिया का, फेसबुक या जो भी है, अपना नाम चेंज कर सकते हो, फेसबुक में जो है वो लिख सकते हो, फेसबुक की बना सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। ये वीडियो इसलिए लंबी हो गई क्योंकि यहाँ पर हमने अकाउंट भी बनाया है तो थोड़ा टाइम लग गया। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कॉमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कर देना, चैनल पर नया आए हो सब्सक्राइब कर देना। चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल रखें एंड बाय।